हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि आपने देखा थंबनेल में एंड टाइटल में, हम बात करने वाले हैं आपकी स्ट्रेटेजी के संबंध में आपके 2024 के लिए। ब्रॉट यू बाय चैनल साइको IAS। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो के अंत में, और लाइक अभी कर सकते हैं आप। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपका ऑप्शनल क्या है। आपका ऑप्शनल मोस्टली साइकोलॉजी ही है, आपका ऑप्शन मोस्टली मनोविज्ञान ही है, ठीक है। तो अभी हमको सोचना होगा साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। साइकोलॉजी की सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, उससे अगर आप स्टार्ट करें तो आपकी लाइफ एंड सारी चीजें थोड़ी बहुत आसान होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, सबसे पहले आपकी बात करते हैं बिहेवियर की, यानी कि सबसे पहले क्या है आपके पास, व्यवहार है इसके अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं हम मेंटल प्रोसेसेस की, है ना। आपके दिमाग में, आपके कॉग्निशन में जो भी चीज चलती है, जोड़ घटाना जो भी चलता है आपका, है ना, आपकी जो भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनकी बात होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो जाता है अभी, वो क्या है, वो है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। वो क्या कहलाता है, वो है आपका एक्सपीरियंस, यानी कि आपका अनुभव, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान यहाँ पे देना है कि आपको जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है, उसके आधार पे आपको अपनी मेंटल प्रोसेसेस वैसी चलानी है, एंड उसी के बेस्ड आपको अपना बिहेवियर भी रखना है। इसको समझते हैं कैसे। अगर आप साइकोलॉजी ऑप्शन लिया है तो आपके पास दो तीन प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे। ये तो ये है कि आप जो है फर्स्ट टाइम देंगे 2024 में, ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। एक आप होंगे अगर आप सेकेंड टाइम दे रहे हैं, ठीक है। एक आप होंगे अगर आप थर्ड टाइम दे रहे हैं, ठीक है। और एक आप होंगे अगर आप फोर्थ टाइम दे रहे हैं, ठीक है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, प्री निकला हो, मेंस निकला हो, प्री निकला हो, मेंस निकला हो, प्री निकला हो, या फिर मेंस में रुक गया हो, ठीक है। ऐसी कुछ भी चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन जो पेपर आया आपका 28 मई 2023 को, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको आपको क्या करना है, अपने कॉग्निशन में बिठाते हुए एक चीज पे आपको ध्यान देना है कि आप किसी भी चीज को क्या नहीं लेना है, अब लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आप किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते कि ये बन जाएगा या हो जाएगा, ठीक है। लोगों को देखा है प्रिलिम्स में भी लटकते हुए, ये वाला जो प्रिलिम्स की जो स्टेज है यही क्लियर नहीं होता है, तो फिर आगे आप मेंस एंड इंटरव्यू तक तो छोड़ दीजिए, आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो फर्स्ट आपका जो हर्डल है, ठीक है, ये है आपकी जो भी पोस्ट है आपकी, ठीक है, एक्सेट्रा, ये जो भी है, और यहाँ पे आप खड़े हैं, इसके बीच आपके पास तीन हर्डल है, ठीक है। इसको जंप करना है, इसको जंप करना है, एंड देन इसको जंप करना है। तो जो पहली सबसे बड़ी दीवार आपके सामने खड़ी है वो क्या है, वो है आपके सामने प्रिलिम्स की, ठीक है। ये जो खड़ा है आपके सामने प्रिलिम, आप इसको पार करेंगे देन एंड देन ओनली ही आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। सबसे पहला ध्यान देना है आपको कि आप प्रिलिम्स किसी ना किसी हाल में आप इसको क्लियर करें, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइमर है तो आपके पास बहुत अच्छा चांस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आप जो है इस बार जो लोगों ने गलतियां की हैं उनसे आप बच सकते हैं एंड उसको अपने स्टडीज में इनकल्केट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम वाले जो है, या फोर्थ टाइम वाले जो है, या फिफ्थ टाइम वाले जो है, उनको मालूम है कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, इस पे उनको ध्यान दे रहा है। मोस्टली देखा जाता है कि सी सेट को हम हल्के में लेते हैं एंड सी सेट की वजह से ही हमको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। नो डाउट पेपर इस बार का काफी ज्यादा टफ था, काफी ज्यादा टफ था, लेकिन इसके लिए आप और हम कुछ कर सकते नहीं है, ठीक है। इसमें केवल एक ही चीज आप इंक्रीज कर सकते हैं, वो क्या है, वो है आपकी मेहनत, ठीक है। आप इतना पढ़ रहे हैं, चलिए मान के चलिए आप इतना पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको मैथ्स और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपनी, ठीक है, रीजनिंग वगैरह जो है आपका थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जब आप इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, 10-12 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप प्री के लिए, एक दो को और इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। लेकिन इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप आज से वीडियो देखने के बाद एक चीज पे अच्छे से फोकस कर लीजिए कि प्रिलिम्स जो है आपकी प्रीलिमिनरी स्टेज है, यानी कि ये मस्ट हो जाता है आपके लिए कि इसको आपको क्लियर करना है, एंड आप इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ठीक है। अब तो हालत इतनी खराब है कि एंड के 3 मंथ भी जो है कम पड़ रहे हैं लोगों को, ठीक है, 3 मंथ भी कम पड़ रहे हैं, 2 मंथ भी कम पड़ रहे हैं, एंड ऐसा नहीं है 1 मंथ वालों का हो भी जा रहा है, बट उसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं, उनको हम छोड़ते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर आपका सी सेट रुक रहा है इस बार, या किसी और बार रुका था सी सेट की वजह से आप लटक जा रहे हैं, तो आपको ये जो दो पॉइंट है इसको आप इन अच्छे से और स्टडी कर लीजिए। सी सेट के लेवल की, 10th के लेवल की मत करिए, और अच्छी मैथ्स कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, ताकि आप जो हो इसमें 24 के जो एग्जाम में है आप इसको सक्सीड कर जाए, ठीक है।
ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इसमें जो भी आपका वीक पॉइंट है, वीक एरिया है, उस पर आप पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दें अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 2024 के लिए तो। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी प्रीलिम्स की, अब बात करते हैं मेंस की। ठीक है, मेंस का देख लीजिएगा आप, GS5 तक जो आपके पेपर्स हैं उनको आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप देख लीजिए। हम बात करेंगे आपके ऑप्शनल्स की, है ना, ऑप्शनल को क्या कैसे करना है अब उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, एंड आपका ऑप्शनल्स में आपका स्कोर अच्छा कैसा है उसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर हम कितनी बार बोलेंगे बात करते हैं, सॉरी, हम बात करते हैं 2024 की। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ओके, तो लेट सपोज कि आप 2024 में एग्जाम देंगे एंड आज है 31 मई, है ना, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 360 डेज, या मान के चलते हैं 350 डेज आपके पास हैं आज के बाद आपको प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, अगले 355 डेज के अंदर आपका जो है पूरा चीज तैयार हो जानी चाहिए, टेकिंग आपका प्रीलिम्स का प्लस आपका मेंस का। ठीक है, और मेंस में अगर आप ज्यादा कुछ करते हैं नहीं करते हैं, अदरवाइज आपके ऑप्शनल का। ठीक है, ऑप्शनल तो आपको डन एंड डस्टेड करना ही है इस बार। ठीक है, इसको आप डेवलप कर लेंगे ऑप्शनल को अच्छे से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वहां पे बूस्ट मिलेगा, वो बात करते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहली बात है प्रीलिम्स के लिए क्या क्या बेसिक चीजें पढ़ना है वो आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, तो उसको आप आज से ही, इस वीडियो को देखने के बाद, वीडियो को लाइक करने के बाद, आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन बात करते हैं आपको साथ में क्या लेके चलना है, साथ में लेके चलना है आपको साइकोलॉजी। ठीक है, अभी मंथ है आपका, स्टार्ट करेंगे आप जून से, तो जून पूरा पढ़िए, जुलाई पढ़िए, अगस्त पढ़िए एंड सितंबर पढ़िए। ठीक है, सितंबर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ एंड 4 मंथ, लगभग 4 महीने आप जो है इसको अच्छे से पढ़िए साइकोलॉजी को। ठीक है, 4 मंथ के बाद क्या होगा, हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको जो है यहाँ पे मेंस का पेपर देखने को मिलेगा आपको, है ना, मेंस का पेपर देखने मिलेगा आपको। तो मेंस का पेपर आप देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करिए, आप उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए, मतलब स्टार्ट तो यहीं कर दीजिए बट आंसर राइटिंग जो है आप मेंस का पेपर लिखिए कि आपने कैसे लिखा होता। ठीक है, तो आपके लिए एक टेस्ट आ जाएगा, रेडीमेड टेस्ट है, प्रोवाइडेड आप क्या करें, यहां से पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आप जून से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कंप्लीट अपनी ऑप्शनल की, तो आपको जो है सितंबर में एक अच्छा खासा चांस मिलता है कि 4 महीने की स्टडी के बाद आप खुद को एसेस कर पाएं कि आपने जो भी पढ़ा, जहां से भी चीजें पढ़ी, हमसे पढ़ी, कहीं से भी पढ़ी आपने चीजें, उसके बाद आप जो है टेस्ट सीरीज आप लगा पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, आपको 2 पेपर मिलेंगे, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। ठीक है, आपकी बेसिक साइकोलॉजी एंड आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी, दोनों के पेपर मिलेंगे आपको 250 मार्क्स के। उसको आराम से बैठिए, 3 घंटे के टाइम जोन में उसको लगाइए, और फिर जो है आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको ये एग्जाम हॉल में करना है, आप घर में बैठ के कर रहे हैं, तो कुछ भी अगर उसमें गलतियां होती हैं तो उसमें सुधारने का मौका भी आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो आप गलतियां करें, अच्छी बात है यहाँ पे गलतियां करेंगे, ताकि जब 2024 का जो आप मेंस लिखेंगे तो उसमें आपकी गलती होने के चांसेस और कम हो जाएंगे एंड आपकी लर्निंग जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ट्राई करें आप कि नेक्स्ट 4 मंथ जो है आपके जून से लेके सितंबर तक, अगले 4 मंथ्स में जो है आप अच्छे से जो है अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करें। ठीक है, ये आपको मदद करेगा किसके लिए, ये आपको मदद करेगा इस चीज के लिए। ठीक है, प्लस साथ ही साथ आपका अगर साइकोलॉजी है तो आपको इंटरव्यू में भी ये मदद करता है। ठीक है, देन आपके पास क्या बचता है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और इंक्लूड कर लेते हैं जैन 15 तक। ठीक है, तो ये टाइम में आप जो है आपका जो मेंस के बाकी के 5 पेपर हैं, जैसे एसे वगैरह आ जाता है ना, एसे हो गया आपका, प्लस आपका एथिक्स की कुछ बात अगर हो गई तो, है ना, वो भी आप इसको इसके इस टाइम में आप कर सकते हैं अक्टूबर से लेके जैन 15 तक। ठीक है, प्लस आपके GS1 GS2 जो पेपर होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। ठीक है, एंड देन आपके जैन 15 के बाद, जैन से 15 तक आपको मई तक जो पूरा चांस है, पूरा आपको किस पे फोकस करना है, आपको पूरा फोकस करना है आपके प्रीलिम्स के सिलेबस के हिसाब से, करंट वगैरह जो भी है आपका उसको पढ़ना है, प्लस आपका जो सीसेट है उस पे भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है ना। सीसेट को इस बार अवॉइड मत करिए, सीसेट में आप अब जो है क्वालिफाइंग भी काफी इतना टफ डिफिकल्ट आ रहा है, तो सोचिए आप इसको। ठीक है, अब आप ये अटेम्प्ट करिए कि सीसेट में कितने लाने हैं आपको, 100 नंबर लाने हैं। ठीक है, सीसेट में आपको 100 नंबर लाने हैं, ये टारगेट बना के जाइए आप 200 में से। ठीक है, एटलीस्ट मुझे जो है वहाँ पे 50 सवाल जो है इसको सॉल्व करने हैं, मैथ्स के भी होंगे, रीजनिंग के भी होंगे। ठीक है, तो कितना भी टफ सवाल आए उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, आसान नहीं है, यहाँ पे बोलना आसान है लेकिन इसको करने के लिए काफी ज्यादा आपका जो है हार्डवर्क
लगेगा, काफी ज्यादा मेहनत लगेगी आपकी, तो इसको ध्यान में रखें, क्योंकि हार्डवर्क आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम निकालना है, आपको रैंक चाहिए, तो ये सब चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे सब चीजें, तो कोई और बैठ के ये सब चीजें कर रहा होगा, इतने टफ टफ सवालों को लगा रहा होगा, एंड देन मे बी उनके लिए सीसेट जो है शायद थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। तो आपके पास समय मिलता है जैन 15 से लेके मई तक का पूरा, जैन फेब मार्च अप्रैल, 1 2 3 4 लगभग 4 साढ़े 4 महीने आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपकी प्रीलिम्स एंड सीसेट की प्रिपरेशन के लिए। इतना आपके लिए अच्छा है अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करें इस टाइम फ्रेम में, ठीक है। देन आपके पास जो बचेंगे, जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा मई में, ठीक है, जिस दिन भी आपका एग्जाम है उसके बाद आपके पास बचेंगे 20 दिन, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं आपके रिजल्ट के लिए, एंड देन जो है आपका मेंस का जो प्रिपरेशन है आपका, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड देन वहां पे क्या होगा उन 3 महीने में, जून जुलाई अगस्त में क्या होगा, जून जुलाई एंड अगस्त, सितंबर में आपका नियरली एग्जाम होता है, ठीक है। तो इन 3 मंथ में क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपने जो भी किया था लास्ट ईयर जून से, है ना, लास्ट ईयर जून से आपने अगस्त तक क्या किया था, आपने केवल साइकोलॉजी किया था, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करना होगा आपको, जल्दी जल्दी अब आपने जो मेंस के लिए प्रिपेयर किया था एसे एथिक्स का पेपर GS 1 2 3 वो सब जो चीजें हैं प्लस वो भी आपको करना है इसी टाइम में, ठीक है। तो आप जो पहले करके रखा है आपने उससे क्या फिर मिलेगा आपको, उससे मिलेगा आपको बेनिफिट ये कि आपका ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर है वो सारी चीजें, तो आपको उससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको मल्टीपल टाइम आपका रिविजन हो सकता है एंड आप काफी ज्यादा वास्ट एरिया कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 3 महीने में नहीं हो सकता क्या पूरा, हो सकता है, लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते जाएंगे, है ना, यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया एंड देन मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते जाएंगे इन 3 महीनों में, तो आपके जो है नंबर अच्छे आएंगे, आपको लिखने की सारी चीजें आपको मालूम होंगी, क्या क्या लिखना है, क्या अवॉइड करना है एंड क्या चीज इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपनी जो है स्टडी को डिजाइन कर सकते हैं, अगर आपका ऑप्शनल है साइकोलॉजी तो, या फिर कोई भी अगर आपका ऑप्शनल और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि करना तो होगा आपको, अगर आपको 24 में क्लियर करना है तो ये सब चीजें आपको करनी होंगी। देखने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, करने में उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आसान कौन बनाएगा, आसान इसको आप ही बनाएंगे, इजी इसको आप ही करेंगे, ठीक है। शुरुआत में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी आपको, मन नहीं लगेगा पढ़ते बैठते का, वो सब नहीं होगा, लेकिन बस याद करिए अगर आप वो उस दिन एग्जाम दिया होगा आपने, तो आपको मालूम होगा कि क्या चीज होती है आपके साथ, तो उसको अवॉइड करें आप कि ऐसी चीज दोबारा ना हो आपके साथ, ठीक है। डिफिकल्टी को असेस करिए, इस बार डिफिकल्ट आया तो सोचिए और कितने लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे एंड कितना न्यू कॉम्पिटिशन जो भी है अंदर आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी, वीडियो को समाप्त करते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी ये, ठीक है। इस टाइप की स्ट्रेटेजी कुछ बना लीजिए, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कब क्या पढ़ना है, 2 महीने का 4 महीने करिए, 4 महीने का 2 महीने करिए, अपने अकॉर्डिंग जो आप सुटेबल लगता है वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 मंथ या 3 से 4 मंथ आप इसको देते हैं, 3.5-4 महीना देते हैं आप साइकोलॉजी को, तो आपको ऑप्शनल में काफी ज्यादा दिक्कत नहीं सहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बाकी बात करें मेंस के पेपर की, तो उसमें आपके नंबर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट साइकोलॉजी में आपके पास एक एज होता है कि आप 150 तक भी इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड भूलना किस चीज को नहीं है, भूलना नहीं है आपको प्रीलिम्स को एंड सी सेट को, एंड साथ ही साथ आप ट्राई करें कि हर मंथ की जो है आप यहाँ पे कुछ मैगजीन वगैरह जो है या फिर पेपर अगर आप रीडिंग करते हैं तो उसको भी आप कवर करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक तो पहले ही कर दिया आपने, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ आपको डाउट वगैरह है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, और एल्स थैंक यू।